अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अगला टॉपिक जो हम लोगों ने स्टार्ट करें, दिस इज बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। तो आपको बताया बीपीएच, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, बेहद आसान सिनेरियो आता है डायग्नोज करने के हिसाब से और आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, काफी दफा आता होता है। नाम से पता चल रहा है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज और उसके साथ नया टिश्यू उसके अंदर ले हो रहा है, क्योंकि हाइपरप्लेसिया है लेकिन बिनाइन है, कोई मेलेग्नेंसी नहीं है, ठीक है। तो बीपीएच इज बेसिकली इंक्रीज इन द प्रोस्टेट साइज एज अ रिजल्ट डिपोजिशन ऑफ न्यू प्रोस्टेटिक टिश्यू विच इज बिनाइन इन नेचर, ठीक है। अच्छा, प्रोस्टेट की जरा सी आपको समझने की जरूरत होती है हमेशा इसकी एनाटमी, मैं मोटा सा आपको बता देती हूँ कि ये देखें, आपको ब्लैडर पड़ा हुआ, ब्लैडर से निकल रहा है आपको यूरेथ्रा, ठीक है। मेल्स की बात करें, मेल्स में ऐसे करके यूरेथ्रा निकल रहा है। अगर ये मैं बात करूँ कि ये इंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, तो जो आपकी यूरेथ्रा की पोस्टीरियर पोर्शन होता है, इसमें आपकी जो मेल्स होते हैं उनकी इजेकुलेटरी डक्ट आके ओपन होती है, ठीक है। और यहाँ पर इस सारे के सराउंडिंग में ये वाली जगह होती है जहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये सारा का सारा जो सराउंडिंग मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। और ये यूरिथ्रा आ रहा है और ये इजेकुलेटरी डक्ट आके एम्प्टी हो रही है आपके यूरिथ्रा में। तो यहाँ पर आपके पास ये प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा हुआ है। प्रोस्टेट ग्लैंड के डिफरेंट जोन होते हैं, डिफरेंट रीजन होते हैं। अगर हम सर्जिकल एरियाज के हिसाब से बात करें तो उसके हिसाब से जोन बनाए हुए उन्होंने, और ये वाला जो जोन है जो कि आपका इजेकुलेटरी डक्ट यूरिथ्रा और ब्लैडर के दरमियान में, इसको ट्रांजिशनल जोन कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं उसके हिसाब से कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, तो इस लोब को जो आपको ये वाला लोब बनता है प्रोस्टेट को, इसको मीडियन लोब कहते हैं, ठीक है। अब मीडियन लोब की सर्जिकल इम्पोर्टेंस बीपीएच में बहुत ज्यादा है ओवरऑल इम्पोर्टेंस, क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया में जो लोब ऑफ द प्रोस्टेट इनलार्ज होता है, वो ये मीडियन लोब होता है या ट्रांजिशनल जोन होती है, ठीक है। और इसका देखिए, ये वाला जब इनलार्ज होगा तो ये सबसे करीब है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के, ये इजेकुलेटरी डक्ट के करीब है। और दूसरी बात ये कि आपने याद रखना, एक वर्ड आप अक्सर सुनेंगे वीरो मोंटैनम के नाम से, मैं इसलिए इधर बता रही हूँ क्योंकि दोबारा आप सुनेंगे तो आप अभी पता कर लें। जब ये इजेकुलेटरी डक्ट एंटर होती है यूरेथ्रा में ना, तो यहाँ पर एक थोड़ी सी रेज, इसकी सर्फेस पे थोड़ी सी एक वो होती है, थोड़ा रेज हो जाती है उसकी सर्फेस, वहां से उस रेज्ड एरिया को वीरो मोंटैनम कहते हैं। उस वीरो मोंटैनम के बिल्कुल साथ पड़ा होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर वो वाला स्फिंक्टर है जिसकी बेसिस पे आपका यूरिन की कॉन्टिनेंस मेंटेन्ड है, मतलब एक बंदा अपने यूरिन को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि उसको एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर पे कंट्रोल हासिल है, क्योंकि स्फिंक्टर स्केलेटल मसल से बना होता है। अगर आप सर्जरी करते हुए कुछ करते हुए एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर डैमेज कर देंगे, तो पेशेंट को पक्की इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी और वो अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकेगा। इसलिए ये जगह, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जब आप बीपीएच की सर्जरी करते हैं, आप उसको रिजेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये आपने जहन में रखना होता है कि जहां पर आपकी इजेकुलेटरी डक्ट आएगी वहां वीरो मोंटैनम, वीरो मोंटैनम के बिल्कुल करीब पड़ी हुई है हमारे एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। बहरहाल, जो बाकी लोब्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया मीडियन लोब है, ये पोस्टीरियर लोब है, ये एंटीरियर लोब है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता रही हूँ बाकी भी जो है आपके लोब्स होते हैं, और जो आपके जोन्स के हिसाब से बात की जाए तो ये वाली तो मैंने आपको ट्रांजिशनल जोन बता दी, इसको पेरिफेरल जोन कहते हैं, और जो बिल्कुल इसको सराउंड कर रही होती है ना, उसको सेंट्रल जोन कहते हैं, जो बिल्कुल इजेकुलेटरी डक्ट को सराउंड कर रही होती है, एक कोन शेप एरिया, ठीक है। ये लेकिन याद रखने की बेशक जरूरत नहीं है, लेकिन रख लेंगे तो कोई बुराई भी नहीं है। तो ट्रांजिशनल जोन को नहीं भूलना, इस डायग्राम को नहीं भूलना। अब ब्रेन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया आपका हो कि जाता है, मतलब प्रोस्टेट के इनलार्ज होने की तुक क्या, तो प्रोस्टेट की जो ग्रोथ है वो सारी की सारी डिपेंडेंट होती है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन पे, मैकेनिज्म भी आता होता है, ठीक है। आपसे पूछते हैं ये डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन पे, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन है आपका, ये कहां से आया, ये बनता है टेस्टोस्टेरोन से इन साइड द प्रोस्टेट। अब कहानी कुछ यूं है कि आपको पता है कि आपकी बॉडी में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, उसको हाइपोथैलेमस से ट्रिगर मिलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता होता है आपका हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास वो आता है तो उसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को वहां से रिलीज करता है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये ब्लड में आता है, और ब्लड में आकर ये टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं, जो टेस्टिस है उसके पास होते हैं लेडिक सेल्स। ये सारी पुरानी बातें, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही कि क्या क्या चीजें थी, आपको सब पता है। टेस्टिस के पास होते हैं डिफरेंट तरह के सेल्स, उनमें से एक लेडिक सेल्स होते हैं, लेडिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जो सिक्रेट होता है उसके लिए मेल्स की ये सारी कहानी चल रही है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, उससे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस के पास आया, टेस्टिस पे इफेक्ट किया उसने, लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट किया, फिर रिलीज टेस्टोस्टेरोन। अभी जो टेस्टोस्टेरोन ब्लड में आया है ये चला जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, और प्रोस्टेट ग्लैंड के पास एक एंजाइम होता है 5-अल्फा रिडक्टेज, ठीक है। 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम जो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास होता है वो इस टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देते हैं
डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्रोस्टेट। अब जिन लोगों में ये वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और ये पूरा साइकिल ज्यादा हो रहा होगा उनमें डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनेगा, और ज्यादा बनेगा तो प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा डीएचटी होता है जो कि इनलार्ज करा रहा होता है प्रोस्टेट को, और इस सारे प्रोसेस के थ्रू ये इनलार्ज हो रहा होता है। अब इंक्रीज डीएचटी क्यों हो जाता है, उसकी डिफरेंट कॉजेज हो सकती है, मतलब किसी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि वो जेनेटिकली डिटरमिंड है। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास और बहुत सारी थोड़ी बहुत कॉजेज हो सकती हैं, लेकिन एक और बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि 60 ईयर्स से ज्यादा की उम्र में वैसे ही टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है बॉडी में, जिसके रिजल्ट में ग्रोथ ऑफ द प्रोस्टेट हो जाती है। तो तकरीबन जो आपके ओल्ड एज मेल्स होते हैं 60 प्लस के होते हैं, उन सब में ही तकरीबन थोड़ा बहुत बीपीएच हो चुका होता है। ठीक है, अच्छा अभी अगर बीपीएच की बात की जाए इसके पॉजिटिव या होने की वजह से, तो इसके दो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक मैकेनिकल एक डायनेमिक। मैकेनिकल नाम से पता चल रहा है कि वो कॉम्पोनेंट होगा जो कि कोई मैकेनिकल जैसे सिम्टम्स करेगा। मैकेनिकल सिम्टम्स से वही मुराद ये है कि आपको ये प्रोस्टेट जो इनलार्ज होता है, डेफिनेट सी बात है कि दरमियान में यूरेथ्रा को कंप्रेस करेगा और कंप्रेशन सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, उनको आप लट्स लिखते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम, लट्स लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो अगर आपको किसी सिनेरियो में कोई लट्स मिले तो इसका मतलब लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होते हैं, जो मैं आपको बता देती हूँ, जो बेसिकली होते हैं ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द ब्लैडर, जो आपका ब्लैडर कह रही हूँ, कंप्रेशन ऑफ द प्रोस्टेट, जो प्रोस्टेट नीचे पड़ा हुआ है वो कंप्रेस कर रहा होता है। ठीक है, आसपास के आपके जो ब्लैडर आउटफ्लो है उस ट्रैक को, इस जगह को, और उसकी वजह से आपके लट्स के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। ये होता है इसका मैकेनिकल कंपोनेंट। और डायनेमिक कंपोनेंट इस वजह से आता है क्योंकि आपको पता है कि प्रोस्टेट में भी मसल है और ब्लैडर की वॉल में भी मसल है, और ये वाला जो एरिया होता है इसको ब्लैडर नेक कहते हैं, जो बिल्कुल यहाँ पर पड़ा होता है। तो ब्लैडर नेक के मसल्स और प्रोस्टेट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि उस जो जोन पे पड़ा है वो उसको रिलीव कर सकें, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मजीद रेजिस्टेंस आ जाती है आउटफ्लो ऑफ यूरिन में। ठीक है, अब जाहिर ब्लैडर के नेक के मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रास्ता और तंग हो जाएगा और मजीद यूरिन का आउटफ्लो में रेजिस्टेंस आएगा, उसको डायनेमिक कॉम्पोनेंट कहते हैं, जो डायरेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन से नहीं हो रहा बल्कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन से हो रहा है। बहरहाल आपसे कोई ये पूछता नहीं है, सिम्टम्स जरूर पूछते हैं, ये आपको पक्के याद होने चाहिए, इन्हीं से सिनेरियो आते हैं। और ये आपसे पूछे जाते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ बीपीएच, तो इसके दो ग्रुप्स होते हैं, एक होते हैं इरिटेटिव या स्टोरेज सिम्टम्स और दूसरे होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव या अवॉइडिंग सिम्टम्स। ये भी बिल्कुल वैसी बात है कि इरिटेटिव या स्टोरेज सिम्टम्स से मुराद ये कि जाहिर है आपको पता है कि यूरिन अंदर स्टोर्ड है और आपका ब्लैडर यूरिन ब्लैडर के अंदर पड़ा हुआ है, और ये जो आपका प्रोस्टेट है ये नीचे वाले यूरेथ्रा को थोड़ा थोड़ा सा कंप्रेस कर रहे हैं, उसकी वजह से जो यूरिन रेजिडुअल यूरिन रह जाते हैं खास तौर पे, उसकी वजह से इरिटेशन प्रोड्यूस होती है आपके ब्लैडर में। वो जो इरिटेशन ब्लैडर में प्रोड्यूस हो रही होती है वो ब्लैडर को ज्यादा एक्टिव कर देती है, और उसके रिजल्ट में जो सिम्टम्स आते हैं वो तो सबसे पहले पेन इन यूरिनेशन हो सकती है, डिस्यूरिया। ठीक है, उसके साथ आपको यूरिनरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, अर्जेंसी हो जाती है, आपसे ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता और आपको जब आता है तो फौरन जाना पड़ता है, कभी कभी अर्ज इनकॉन्टिनेंस होती है, यानी कि एकदम से जोर पड़ा कि फॉरन वॉशरूम जाना है और अगर नहीं गएंगे तो वो इनकॉन्टिनेंस यानी कि निकल जाएगा इसी तरह, और इतना ज्यादा वो होता है अर्ज होती है कि आपको रात को उठ के भी वॉशरूम जाना पड़ता है नॉक्चूरिया। ठीक है, तो ये होते हैं आपके स्टोरेज सिम्टम्स जो बेसिकली इरिटेशन ऑफ द ब्लैडर की वजह से हो रहे होते हैं। फिर आपको पता है कि डायरेक्टली ये तो हमने बात की है कि इरिटेशन ऑफ द ब्लैडर हो रहा है, अब डायरेक्टली प्रोस्टेट जो इनलार्ज हो रहा है वो यूरेथ्रा को कंप्रेस तो कर ही रहा है, तो यूरेथ्रा की कंप्रेशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स जो आएंगे वो ये कि यूरेथ्रा जब कंप्रेस होगा तो आपको पता है कि यूरिन उस तेजी से नहीं निकल के आ सकेगा जिस तेजी से वैसे आता, तो वीक स्ट्रीम होती है यूरिन की। ठीक है, धार जो है वो पतली होती है और फोर्सफुली नहीं आती बल्कि थोड़ी थोड़ी करके आती है, हेजिटेंसी होती है, वी हैव टू वेट, हम कहते हैं वो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मैं वॉशरूम जाता हूं तो मुझे इंतजार करना पड़ता है यूरिनेशन का क्योंकि एकदम से मुझे यूरिन पास ही नहीं होता। ठीक है, उसकी वजह ये होता है कि आगे रास्ता ऑब्स्ट्रक्टेड है। फिर इंटरमिटेंट स्ट्रीम, मुझे वो कहते हैं कि पेशाब रुक रुक के आता है रुक जाता है, आता है रुक जाता है, आता है रुक जाता है, इस तरह की स्ट्रीम है, मेरी कंटिन्यूस स्ट्रीम नहीं है। ठीक है, इंटरमिटेंट होती है, और फिर जब मैं पेशाब कर चुका होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है अभी और भी करने की जरूरत है, अभी और खाली हो सकता है लेकिन और नहीं आता, तो इनकम्प्लीट एम्प्टिंग होती है इन लोगों में। और कई बार होता है कि वॉइडिंग करने के बाद थोड़ी बहुत ड्रिबलिंग भी होती है, कुछ कतरे गिरते रह जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स की बात है अगर ये रहेगा तो फिर रिटेंशन होगी यूरिन की आहिस्ता आहिस्ता। तो ये होते हैं आपके ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, ये आपको सारे सिम्टम्स याद होने चाहिए कि आपके पास सबसे कॉमन सिनेरियो होता है कि पेशेंट जनरेट टू यू द कंप्लेंट्स ऑफ यूरिनरी अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी डिस्यूरिया एंड नॉक्चूरिया एंड ही हैज अ वीक स्ट्रीम ऑफ यूरिन एंड व्हाट इज द डायग्नोसिस, और बताएं इसकी मैनेजमेंट क्या, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या। ठीक है, तो बहुत कॉमनली आपसे पूछते हैं। इरिटेटिव सिम्टम्स होते हैं ब्लैडर की वजह से कि ब्लैडर इरिटेट हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होते हैं क्योंकि यूरेथ्रा कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, इसी तरह मैकेनिकल सिम्टम्स होते हैं क्योंकि
आपका कंप्रेशन हो रही होती है और डायनेमिक सिम्टम्स जो मैकेनिकल कंपोनेंट है ये होते हैं क्योंकि कंप्रेशन हो रही होती है और डायनेमिक कंपोनेंट होता है क्योंकि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये अपनी चीजों में फर्क और इनकी चीजों में क्या क्या वो है आगे सिम्टम्स या एक्सप्लेनेशन क्या, वो थोड़ी थोड़ी सी याद रखनी है। डायग्नोसिस बहुत सिंपल है, इसमें हम हिस्ट्री होती है पेशेंट की, वो बताता है कि ये मुझे सिम्टम्स है, फिर आपके पास एक स्केल है आईपीएसएस स्केल, उसके अकॉर्डिंग आप पेशेंट के सिम्टम्स को ग्रेड कर देते हैं। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स उसमें लिखे जाते हैं और उनका नंबर होता है एंड वगैरह वगैरह, वो याद करने की कोई जरूरत नहीं, वो सारी पता होना चाहिए। फिर आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे आपको हो सकता है कि मिले कि आपका जो किडनीज है वो पैल्पेबल हो, हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हुआ हुआ हो, क्योंकि जाहिर है जिन लोगों में ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होती है आहिस्ता आहिस्ता यूरिनरी रिटेंशन होती है क्रॉनिक रिटेंशन में, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि थोड़ा बहुत हाइड्रोनेफ्रोसिस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने लग जाते हैं। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे आपको ये मिल सकता है, जब आप डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं यानी आपको उंगलियों से रेक्टम के थ्रू चेक करते हैं, तो आपको साफ साफ इनलार्ज प्रोस्टेट फील होता है और आप अपनी डीआरई पे ही उसको कार्सिनोमा से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि कार्सिनोमा हमेशा इरेगुलरली ग्रो करता है, हार्ड होता है, बहुत फर्म और स्ट्रांग होता है, ठीक है, सॉलिड होता है, लेकिन ये भी होगा हार्ड ही लेकिन इरेगुलर नहीं होगा, उतना खराब सा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी। इस पे ब्लड टेस्ट में आपने आरएफटीज करा लेते हैं, ब्लड सीपी करा लेते हैं, आरएफटीज इसलिए कराते हैं कि यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स को देख लें क्योंकि वो खराब तो नहीं हुए हुए। यूरिन आरई आप जरूर कराते हैं, यूरिन आरई पे आपने इस वजह से कराना जरूरी होता है कि देखना होता है कि कोई ग्लूकोज तो नहीं, क्योंकि अक्सर जो हाइपरग्लाइसीमिया के लोग होते हैं उनको बीपीएच के साथ बहुत ज्यादा ग्लूकोज भी उनके यूरिन में आ रहा होता है, तो हमें उसको ठीक करना होता है, अदरवाइज इन्फेक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ग्लूकोज देखना होता है, ब्लड देखना होता है, सेल्स वगैरह देखते हैं हम यूरिन आरई में, और इन्फेक्शन के लिए कल्चर जरूर करते हैं, क्योंकि जो भी पेशेंट्स होंगे ना बीपीएच के, उनमें इन्फेक्शन का चांस यूरिन में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनका यूरिन रिटेंशन हो रही होती है थोड़ी बहुत, तो इस वजह से ये जरूर देखना है। अल्ट्रासाउंड आप कराएंगे, अल्ट्रासाउंड आपको बता देगा किडनीज का स्टेटस भी और बाकी भी स्टेटस आपके ब्लैडर का, प्रोस्टेट का, इससे आपको काफी हद तक पता चल जाता है। और आप इसमें जो एक और चीज चेक करनी होती है वो होता है पोस्ट रेजिडुअल यूरिन वॉल्यूम। पोस्ट रेजिडुअल यूरिन वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आपने पेशेंट का कहना होता है कि अभी वो यूरिन करके आया, यूरिन पास करने के बाद फौरन जब आप करेंगे अल्ट्रासाउंड, तो नॉर्मली एक बंदा जो नॉर्मल यूरिन पास कर चुका होता है उसके ब्लैडर में 50 ml से कम यूरिन थोड़ा रह जाता है, ठीक है, जो कि फील नहीं होता। जिन लोगों में 50 ml से ज्यादा यूरिन रिटेंशन हो रही है आफ्टर वॉइडिंग, तो इसका मतलब ये कि उनमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कि वो ज्यादा यूरिन रह रहे हैं। और अगर मोर देन 200 ml होती है यूरिन रिटेंशन तो ये तो बहुत ज्यादा होती है, जिसको हमें फौरन से ठीक करना है। अच्छा, पीएसए इज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अक्सर लोग ना ये क्या करते हैं कि एमसीक्यू आता है सिनेरियो में, वो देखते हैं पीएसए कराया था पेशेंट का और वो इतना था, वो पीएसए का नाम नहीं देखते, वो लिख देते हैं कि ये तो प्रोस्टेट कैंसर होगा। याद रखना है आपने एक बात कि पीएसए इज ऑर्गन स्पेसिफिक। ऑर्गन स्पेसिफिक का मतलब है कि कोई भी डिजीज आपके प्रोस्टेट की होगी तो पीएसए बढ़ जाएगा, लेकिन इट इज नॉट डिजीज स्पेसिफिक। इसके बढ़ने से हम ये नहीं कह सकते कि पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ कैंसर ही है, पेशेंट को कुछ भी और हो सकता है, इवन बीपीएच में पीएसए इंक्रीज हो जाता है। तो आपने याद रखना है कि पीएसए इज ऑर्गन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिकली प्रोस्टेट की बीमारियों में इंक्रीज होता है, बट इट इज नॉट डिजीज स्पेसिफिक, ये खसूसन कैंसर में इंक्रीज नहीं होता, और भी चीजों में इंक्रीज हो सकता है, लेकिन यही बात है कि बहुत ज्यादा बड़ा हुआ होता है जब, तो हम फिर उसको कैंसर की तरफ सोचते हैं और फिर हम कैंसर को लाजमी चेक करते हैं। नॉर्मल वैल्यूज की 4 ng/dL से कम होती है। अच्छा, यूरोडायनेमिक स्टडी एक ब्लड टेस्ट है। यूरोडायनेमिक स्टडी का मतलब ये होता है कि हमने इसमें बेसिकली देखना होता है कि वाकई पेशेंट को प्रोस्टेट इनलार्ज है या फिर और बहुत सारे कॉजेज हैं जो कि नॉक्टूरिया, डिस्यूरिया, हेसिडेंसी वगैरह कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इवन सिर्फ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है तब भी उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, उससे कंट्रोल नहीं होता। इसी तरह ब्लैडर ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है कुछ लोगों का, जो कि बिना वजह ही ओवर एक्टिव होता है, बार बार उनको यूरिनेशन होती है, वीक स्ट्रीम होती है, तो उन सबको अपने रूल आउट करना होता है। उसके लिए आपने दो चीजें चेक करनी होती है कि यूरिनरी फ्लो रेट क्या है, मतलब किस फ्लो से यूरिन पास हो रहा है, फ्लो रेट, और जो प्रेशर है वो क्या है। ठीक है, फ्लो रेट का मतलब है कि जिस तरह हम कहते हैं कि नॉर्मल फ्लो रेट इज 20 ml/s, मतलब जब आप यूरिन करने जाते हैं तो एक सेकेंड में 20 ml यूरिन को पास होना चाहिए, और जो प्रेशर होता है वॉइडिंग प्रेशर वो 60 cm ऑफ वाटर से ज्यादा ना हो, मतलब जिस प्रेशर से यूरिन पास होगा या जो प्रेशर आपके ब्लैडर में डेवलप होगा उस टाइम पे वो इससे ज्यादा नहीं होगा। अब जो लोग होंगे बीपीएच के, डेफिनेटली बात है कि उनके यूरिन सही से पास नहीं हो पाता क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो उनमें जो आपका ये वाला होता है यूरिनरी फ्लो रेट ये कम हो जाता है, 20 ml/s जितना नहीं होता बल्कि 10 से भी कम होता है, और जब पास नहीं होगा यूरिन तो जाहिर है वो प्रेशर बिल्डअप करेगा आपके ब्लैडर में, तो उनका ये जो ब्लैडर का प्रेशर है ये वॉइडिंग प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है 60 से, तो इससे भी पता चलता है कि इनको ऑब्स्ट्रक्शन है
ड्यू टू एनी कॉज। तो ये यूरोडायनेमिक स्टडीज होती है। एंड सिस्टर यूथ्रोस्कोपी का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली वो डालें, एंडोस्कोप की तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप डायरेक्टली यूरेथ्रा से जाते हैं, डाल देते हैं ब्लैडर में, और ब्लैडर से आप विजुअलाइज करते हैं सारी जगहों को, तो वो तो सिस्टर यूथ्रोस्कोपी। लेकिन ये इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो आपकी क्या क्या इसकी, अच्छा अगर नहीं आप ट्रीट करेंगे वीवीएस की, तो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन आप खाली एक दफा देख लें, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि जहर सी बात है पड़ा रहेगा यूरिन, फिर टेंशन हो सकती है, स्टोन्स हो सकती हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, कोई हेमाचूरिया शुरू हो जाएगा, हो सकता है हाइड्रोनेफ्रोसिस ही डेवलप हो जाए, आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, कंप्लीट आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, कंप्लीट यूरिनरी रिटेंशन, ये सारी कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, मैनेजमेंट पे आते हैं। मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो हमारे पास पहला तरीका होता है, जो पेशेंट्स है जिनका बहुत थोड़ा सा वीपीएस होता है, और उनका जब हमने वो आईपीएसएस स्केल निकाला था हिस्ट्री के बाद, वो 7 से कम आता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट्स को वॉचफुल वेट करवाते हैं। वॉचफुल वेट का मतलब ये होता है कि हम उनको ना मेडिकल थेरेपी देंगे ना सर्जिकल थेरेपी देंगे, और उनको हम सिर्फ ये कहेंगे कि वो ध्यान रखें, और बताएंगे कि अगर उनके कोई सिम्टम्स ज्यादा खराब होते हुए नजर आएंगे तो उन्हें फौरन रिपोर्ट करना है। थोड़ी बहुत उनको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का बताते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई आप सोने से पहले ज्यादा ड्रिंक्स ना लिया करें, पानी पीना कम कर दिया करें, और आप खासतौर पर कैफिनेटेड चीजें सोने से पहले ना लें ताकि आपकी यूरिनरी जो वो है नीड है वो हो ही कम, तो आपको रात को बार बार ना उठना पड़े, आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इस तरह से कुछ। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस का बताते हैं, तो आपका जनरली ये वाले पेशेंट जो है वो ठीक रहते हैं। ठीक है, जिनका आईपीएसएस स्कोर लेस देन 7 होता है, उनको वॉचफुल वेट पे आप चले जाते हैं। फिर आप देते हैं, अगली चीज होती है मेडिकल थेरेपी। मेडिकल थेरेपी का मतलब ये होता है कि आपने वो वाली चीजें देनी है जिनसे थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन हो जाएगी, या तो मसल्स की, ये एक तो ये तरीका आप कर सकते हैं कि आप यहाँ के, क्योंकि मसल्स जो आपका मैंने बताया ब्लैडर नेक के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से रास्ता और तंग हो जाता है, तो या तो आप ऐसी चीज देंगे जो ब्लैडर नेक के मसल्स को रिलैक्स करेगी, और प्रोस्टेट के जो अपने मसल है उनको भी रिलैक्स करेगी, तो रास्ता थोड़ा सा खुल जाएगा। एक तो आप वो ड्रग्स दे सकते हैं, दूसरा आप वो ड्रग्स दे सकते हैं जो कि, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट है, तो अगर आप वो ड्रग दे दें जो कि टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने से रोक दे, तो क्या होगा कि डीएचटी नहीं बनेगा, डीएचटी नहीं बनेगा तो ग्रोथ ऑफ द प्रोस्टेट नहीं होगी। तो ये दोनों ड्रग्स हम देते हैं। पहली होती है अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स ये वही वाला काम है जो भी मैंने आपसे जिक्र किया पहले, कि ये रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स करती है, ब्लैडर मसल्स की, प्रोस्टेट मसल्स भी, एज अ रिजल्ट रास्ता खुला हो जाता है। अल्फा ब्लॉकर्स में आपने नाम याद रखे हैं डॉक्सैजोसिन एंड टेराजोसिन, पुरानी है ठीक है, डॉक्सैजोसिन एंड टेराजोसिन, और जो नई वाली है वो है ये टैम्सुलोसिन है और एल्फ्यूजोसिन। इसमें से कम टैम्स एक एक नाम तो याद रखे, ठीक है जी, डॉक्सैजोसिन टेराजोसिन पुरानी और टैम्सुलोसिन और एफ्लुजोसिन नहीं है। अब क्या फर्क है, मैं ये जो पुरानी वाली थी इनके अब बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट था कि ये पोस्टरल हाइपोटेंशन कर देती थी, पेशेंट जब बैठ के खड़ा होता था तो सवेर हाइपोटेंशन होती थी, वो गिर जाता था, बहुत सवेर इसकी कॉम्प्लिकेशन थी, जिसकी वजह से पेशेंट्स की कॉम्प्लायंस इन ड्रग्स के साथ बहुत कम थी। उसकी वजह से जो टेम्सुलोसिन है ये इसलिए अच्छी है क्योंकि ये बहुत कम पोस्टरल हाइपोटेंशन करती है और अच्छा रिलैक्सेशन इफेक्ट है, इसलिए ये अब काफी अच्छी चली जाती है, और इसका एक्शन भी लॉन्ग एक्टिंग है, जबकि जो पुरानी वाली थी वो शॉर्ट एक्टिंग होती थी। ठीक है, अब 5-alpha reductase inhibitors आ जाते हैं। 5-alpha reductase inhibitors में आ जाते हैं आपके पास फिनेस्टेराइड आ जाता है, ड्यूटेस्टेराइड आ जाता है। ठीक है, ये आपकी क्या करेंगे, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे 5-alpha reductase को, जिसने टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोसिटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कराना है। ये कन्वर्ट नहीं होगा तो आपका डाइहाइड्रोसिटेस्टोस्टेरोन बनेगा नहीं, तो डेफिनेट सी बात है कि पेशेंट के रिलीव हो जाएंगे सिम्टम्स। इसमें जो आपकी ड्रग्स है इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर सकती है एंड डिक्रीज इन लिबिडो कर देती है। ठीक है, अब ये इसी वजह से जो आपके एल्डरली मेल्स होते होंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता इस बात से, लेकिन जो थोड़े से 40s में होते हैं उनको जरा ज्यादा प्रॉब्लम होता है, फिर उनको सोच समझ के देनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा जब कुछ लोग, अब बहुत ज्यादा लोग ना आपकी सर्जिकल थेरेपी की तरफ जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि एक तो मेडिकल थेरेपी बार बार लेनी पड़ती है कि और 100% नहीं होता, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है इतनी ज्यादा कि बार बार पैसे लगते हैं ना दवाइयां लेने के, और फिर भी सिम्टम्स आ ही जाते हैं कुछ अर्से बाद, जब तक दवाइयां लेते रहोगे ठीक रहोगे, नहीं लोगे तो फिर मसला होगा, इसलिए लोग अक्सर सर्जिकल थेरेपी ही चूज करते हैं। तो सर्जिकल थेरेपी करने की वैसे इंडिकेशंस जो है वो ये है कि या तो पेशेंट के लो यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो, वो यूरिनरी रिटेंशन हो रही हो उसमें, ठीक है, लट्स बहुत ज्यादा है, यूरिनरी टेंशन है, इवन यूरिनरी टेंशन इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, रीनल फेलियर हो रहा है, उसके आरएफटीज खराब आ रहे हैं, उसका ये प्रेशर बहुत खराब हुए हैं, ये बहुत ज्यादा हुआ है और ये बहुत कम हुआ है, फ्लो रेट कम हुआ है, प्रेशर ज्यादा हुआ है, और आखिरी वो ये ऑप्शन है कि पेशेंट की अपनी चॉइस है कि मैंने सर्जरी करानी है, तो फिर आप सर्जरी करते हैं। सर्जरी में आपने क्या करना है कि प्रोस्टेट को रिजेक्शन करनी है। अब प्रोस्टेट की रिजेक्शन आपकी जो मोस्ट कॉमनली होती है वो ट्रांस यूरिथ्रल होती है, रिजेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट TURP,
और दूसरे तरीका हो सकता है कि ट्रांस वेजाइकल आप प्रोस्टेट रिजेक्शन करें, यानी आप ब्लैडर के रास्ते से जाएं और वहां से डायरेक्ट ब्लैडर से, मतलब स्किन से आप ब्लैडर में जाएं, जिस तरह आपने वेजाइकल लिथोटमी मैंने आपको बताई थी कि डायरेक्ट स्किन से आप ब्लैडर खोलते हैं और ब्लैडर से आप प्रोस्टेट रिजेक्शन कर लें, एक ये तरीका हो सकता है। या फिर आप रिट्रो प्यूबिक भी जा सकते हैं। रिट्रो प्यूबिक का मतलब होता है कि प्यूबिस के पीछे से आप जाके, यानी स्किन से एक इंसिजन देके डायरेक्टली आप प्यूबिस के पीछे से जाए और प्रोस्टेट रिजेक्ट कर दें। इसमें ना आपको यूरिथ्रा खोलना पड़ेगा और ना ब्लैडर खोलना पड़ेगा, ठीक है। ये भी तरीका होता है और कुछ नई टेक्निक्स भी हैं। आपसे जो पूछते होते हैं वो TURP बहुत ज्यादा पूछते हैं आपसे, कहते हैं कि व्हाट इज TURP, क्या प्रोसीजर, इसका क्या इंडिकेशन है। इंडिकेशन वही है जो भी मैंने पहले बोली है, बुक में लिखे भी हैं, बेशक देख भी लीजिएगा। प्रोसीजर क्या है TURP का, ये भी बहुत आसान से है। आपने जाना होता है फ्रॉम योर यूरिथ्रा, ठीक है, यूरिथ्रा के रास्ते से आप जाते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड यही प्रोसीजर है। 26 FR का आप देके जाते हैं। FR इज योर फ्रेंच ग्रेड, ठीक है, फ्रेंच यूनिट है ये फॉर योर के उसका कितना साइज ऑफ द कैथेटर कितना होता है उसके लिए, ठीक है। तो आपका एक जाता है रिजेक्टोस्कोप जो आप डालेंगे यूरिथ्रा से ब्लैडर तक। ब्लैडर में आप जब अपना डाल देंगे रिजेक्टोस्कोप, तो उसके बाद आप सारे ब्लैडर को पहले उसे विजुअलाइज करते हैं, उस जो दोनों यूरिटर्स के ऑरिफिसेस हैं उनको देखते हैं। सपोज आपने ये डाला, ठीक है, ये है ब्लैडर, ये आपके दोनों यूरिटर्स आ रहे हैं और ये आपका यूरिथ्रा है। यहाँ से आपने डाला, इस स्कोप से आपने सारे ब्लैडर को देखा, यूरिटर्स की दोनों ओपनिंग को देखा, उसके बाद आपने जेकुलेटरी डक की ओपनिंग को देखा और यहां से ही आपने फिर क्या किया कि आपने कट दिया और आपने प्रोस्टेट के जो मीडियन लोब है, आपको पता है कि जेकुलेटरी डक्ट और यूरिटर्स के दरमियान में उसका लोब होता है, वहां से आपने रिजेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट शुरू की। जो प्रोस्टेट आप रिजेक्ट करते हैं वो स्ट्रिप्स की फॉर्म में आके ब्लैडर में गिरना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जब वो ब्लैडर में आके गिर जाएगा प्रोस्टेट, तो फिर आप उसको, आपके पास एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, बेशक आप नाम याद ना रखें, उसको आप कहते हैं एलिक एवेकुएटर, उससे आप सारा का सारा जो भी प्रोस्टेट का टिश्यू होता है उसको निकाल देते हैं। तो बस इस तरह से ही होती है कि आपने पहले मीडियन लोब को, फिर साइड वाले लोब्स को सारा रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करना आपने ब्लैडर में ही रख के है, और जो चीजें प्रोस्टेट रिजेक्ट हो रहा है वो सारा ब्लैडर में आके शेड ऑफ हो जाता है, और फिर आप उसको उससे निकाल के जो आपका एलिक एवेकुएटर होता है निकाल देते हैं, ठीक है। अब जहां जहां पर इसके बाद आपको नजर आ कि ये ब्लीडिंग हो सकती है, वहां पर आप कॉटरी कर देते हैं, और आखिर में आप ये करते हैं कि आप यहाँ पर फॉलीज कैथेटर इंसर्ट कर देते हैं ब्लैडर में, क्योंकि जाहिर सी बात है फॉलीज के बगैर तो आप नहीं छोड़ेंगे। तो फॉलीज कैथेटर आप इंसर्ट कर देते हैं और फिर दो दिन बाद आप उसको देखते हैं कि पेशेंट की जब यूरिन आउटपुट नॉर्मल हो जाती है तो फिर आप फॉलीज कैथेटर भी रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये सर्जरी करते हुए आपको बहुत ज्यादा इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जाहिर है आपने एक चीज रिजेक्ट की और वो एक जगह पर आके गिर गई और फिर आपने सारी चीज को निकाल दिए बाहर। तो जब आपको बहुत ज्यादा इसमें बहुत जरूरत, जब आप ऐसी रिजेक्शन करते हैं ना जिसमें आपने सपोज पीछे से सारा मटीरियल आके ब्लैडर में गिरा है और ब्लैडर से आपने इसको नीचे निकाला, आपके जहन में पहले तो सॉरी ये क्वेश्चन होगा कि आपकी ब्लैडर सारा का सारा इंटैक्ट होता है तो प्रोस्टेट तक आप पहुंचे कैसे। तो मैंने अभी आपको बताया कि इजेकुलेटरी डक्ट वाला रास्ता होता है, वहां से आप प्रोस्टेट तक रीच कर जाते हैं। जाहिर है ब्लैडर की वॉल को ब्रीच करना पड़ता है, ब्लैडर की वॉल की ना किसी तोड़नी पड़ती है, तभी प्रोस्टेट पीछे से जो पड़ा हुआ होता है वो आके ब्लैडर की वॉल के अंदर, ब्लैडर के अंदर गिर रहा होता है, उसके पीसेस गिर रहे होते हैं, क्योंकि हम उसको पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, पूरा एज इट इज नहीं निकालते और फिर हम उसको निकाल देते हैं भाई। तो इसमें बहुत ज्यादा वो इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, जो बहुत ज्यादा इरिगेट करते हैं ना इस एरिया को, तो जाहिर है जिस फ्लूइड से इरिगेट करेंगे वो थोड़ा बहुत ब्लड में होता रहता है एब्जॉर्ब, और उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में बहुत ज्यादा हाइपर वो ओवरलोड ऑफ फ्लूइड हो जाता है। तो उस ओवरलोड ऑफ फ्लूइड को प्रिवेंट करने के लिए मेरा पेशेंट को डायुरेटिक्स पे डालते हैं और उसको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन का कहते हैं। ये होती है ट्रांसयूरेथ्रल रिजेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, अगर आपने डैमेज कर दिया एक्सटर्नल स्फिंक्टर को तो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी, कोई आप इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस कर देंगे तो सेप्सिस हो जाएगा, और एक और चीज होती है रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन, इजेकुलेटरी डक्ट डैमेज होता है तो इजेकुलेशन पीछे की तरफ होने लग जाती है, उसको रिट्रोग्रेड कहते हैं, वो भी किसी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछते हैं, ये TURP की तीनों चीजें पूछते हैं, इंडिकेशन, प्रोसीजर एंड कॉम्प्लिकेशन, तीनों मैंने आपको बता दी। फिर जो ट्रांसवेजाइकल प्रोस्टेक्टमी है वही वाली है कि जिस तरह हमने ब्लैडर स्टोन को रिमूव किया था उसी तरह आपने ऊपर से इंसिजन देनी है, स्किन खोलनी है, फैट खोलना है, मसल खोलना है, ब्लैडर तक जाना है, ब्लैडर खोलना है, ब्लैडर के बाद आपने ब्लैडर की पोस्टीरियर वॉल खोलनी है, प्रोस्टेट तक जाना है, प्रोस्टेट निकालना है और सब बंद कर देना है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। और जो कुछ नए तरीके हैं उनको भी आप नाम देख लेना कि ट्रांसयूरेथ्रल नीडल एब्लेशन है प्रोस्टेट की, कि हम रेडियो फ्रिक्वेंसी रेज से उसको एब्लेट कर देते हैं टिश्यू को, इसी तरह माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी है कि माइक्रोवेव से आप जो उसका प्रोस्टेट इनलार्ज्ड है उसको ठीक कर देते हैं। तो ये कुछ नए तरीके हैं। यहाँ पर बात खत्म करते हैं, किसी कोई मसला होगा नाज़मीन, थैंक यू।